अभी झगड़ा हो गया भैया का, क्योंकि बुलेट ठुक गई ना, बूढ़ी वाली हालत हो चुकी, सब एक दूसरे को हम मारने लग गए। पक गए अपन भी जाम में, आगे जाम, पीछे जाम, राइट जाम, लेफ्ट जाम। अरे मंडी बड़ी तो बहुत है, पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इतना। प्रॉब्लम ये हुई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और दिन है बुधवार। आगे तो रास्ता खराब है। ये क्या हुआ? बंद पड़ा हुआ है। अरे चलो, और इतनी मिट्टी लगा दी। रोड बन रही है बेटा, दूसरे रास्ते चलना पड़ेगा। कोई नहीं गाइस, अब दूसरे रास्ते से चलते हैं, यहाँ पे रोड बन रही है। रोड बन रही है तो अच्छी बात है, दूसरे रास्ते से चल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस थोड़ा सा ही आ गया दूसरा रास्ता। तो गाइस यार आपने देखा वो रास्ता खराब था, तो अभी अपने दूसरा रास्ता ले लिया। हाँ, तो गाइस जब मैं आपको बताता कि आज अपने स्कूल की छुट्टी है, वरना तो अपन अभी इस टाइम पे स्कूल में होते और ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू होते जब अपन स्कूल जाते हैं। पर आज छुट्टी थी तो अपने पापा के साथ सब्जी मंडी जा रहे हैं, फटाफट से चलते हैं सब्जी मंडी। और हाँ, इस बात की थी क्योंकि आज आदिवासी दिवस है। सर अभी वो रास्ता बंद पड़ा हुआ था, तो रेलवे कारखाने ने आज अंदर वाले रास्ते से जाने की कार बाइक को परमिशन दे दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन भी खड़ी हुई है। बोलो गाइस यार अभी झगड़ा हो गया भैया का, क्योंकि बुलेट ठुक गई ना यहाँ पे, बुलेट ट्रैक्टर के पास खड़ी हुई है, इसलिए अभी झगड़ा हो रहा है। देख पूरे में जाम लग गया। गाइस पता नहीं गाइस क्या सिस्टम हो रहा है, इस साइड से आने वाले लोग भी हैं, उस साइड से आने वाले, इस साइड से आने वाले भी सारे परेशान हो रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं बहुत बुरी वाली हालत हो चुकी, सब एक दूसरे को मारने लग गए। हाय गाइस यार आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पे तो बहुत सारा जाम लग जाता है, और पीछे वो सारे फाइट कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा गंदा वाला जाम लग चुका है। ये तो मैंने उससे भी गलत रास्ता ले लिया भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही जाम हो गया। नई ट्रेन ना आ रही है, बस फाइनली जाम खुल चुका है। वो टावर देख रहे हैं ना, वो तारागढ़ वाला ही है, और ये है ना सबसे ऊंचा पहाड़ है अजमेर का, और ये जहाँ से जाते हो ना वहाँ से लगभग दिख ही जाता है, और ये अपने घर से भी दिखता है। ये ब्रिज का काम बंद पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग का जाम लगता है, वरना तो जाम ही ना लगे। यार ये ना सारे फ्लर ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं चार मीनार कौन सा वंडर हो, ये बड़े मस्त लग रहे हैं, और वो भी इतने सारे बन भाई है गाइस क्रॉसिंग, पापा यही बता रहे हैं, और ये तो और खतरनाक जाम लग रहा है। हाँ भाई साहब यहाँ पे तो जाम ही जाम मिल रहे हैं अपन को, आज तो यार ये जाम अभी तक नहीं खुला है। और पापा कर रहे हैं अभी मोबाइल पे बात, क्योंकि गाइस अपना पुराना माइक टूट गया था, अपन ने उसका वीडियो नहीं बना के दे पाया आपको, तो पापा अभी वो तो आ चुका है। तो अभी पापा को फ़ोन करके पापा से कह रहे हैं कि वो माइक लेके आ जाओ अंदर, और अपन यहाँ पे जाम में फंस गए हैं। बोले भाई कुछ भी, और यार जब भी कोई पार्सल आता है ना, हमेशा यही होता है पापा कहीं और होते हैं, अपन यहाँ मुंबई लेने जाते हैं बस। लग रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का गेट अटक गया है, समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो पहाड़ के नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है, इस ट्रेन के लिए हमको 2 घंटे रुकना पड़ा पूरे, और अब आई है ये ट्रेन भाई, कम से कम पहले तो निकलने देते भाई। अगर आप देख सकते हैं इस ऑटो में जा रहे हैं अभी घोड़ा, और उसकी बैटरी हो चुकी है खराब, इसलिए सब धक्का दे रहे हैं इसे। हाँ भाई दूसरी ट्रेन भी आ रही है जी, तो गाइस अपने पास वाला टेम्पू भी स्टार्ट हो चुका है, और अभी थोड़ा थोड़ा जाम खुलने लग गया। तीसरी ट्रेन आ रही है, ट्रेन गेम खेल रहे क्या ये, चुक चुक चुक। भाई यार कितना बोरिंग रेलवे ट्रैक है ये, हजारों ट्रेन चक्कर लगा रही है, मैं सोच रहा था कि जाम खुल गया होगा। फाइनली गाइस यार अब उम्मीद है कि ये जाम खुल सकता है। ऐसे एक और ट्रेन निकलने वाली है, 3 निकल चुकी है, चौथी भी निकलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट अभी भी रेड पड़ी हुई है।
अभी तक तो सब गाड़ी बैग ले रहे थे और अब सबने आगे घुसी ली, आप देख सकते हैं। पापा ने यहाँ पे हेलमेट उतार दिया है, अब बस अपन गाड़ी पे बैठे हैं। पापा भी उठ चुके हैं, मम्मा भी छाया में चली गई हैं। अपना मन हो रहा है बस बैठने का, पक गए अपन भी जाम में। आगे जाम, पीछे जाम, राइट जाम, लेफ्ट जाम। चौथी ट्रेन आई है अभी अभी, डबल ट्रैक का ट्रेन है और ये यहाँ पे ट्रेन टुकड़ा टुकड़ा में आ रही है शायद से ABCD करके। पूरे हाफ एन आवर के बाद ये जाम खुला है और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे निकलने में मुश्किल है। लाइट ऑरेंज और चुकी रेड से। मुझे रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े हैं, दो रेलवे ट्रैक के अपने आगे और पीछे, अपन बीच में खड़े हैं। क्रॉसिंग तो भूल ही गए कम से कम। हाफ एन आवर वेट किया अपन ने क्रॉसिंग के लिए। अब देखते हैं अपन इस जाम में कब तक निकलते हैं। जाम है ना बिल्कुल ऐसे पीछे तक फैला हुआ है, वहाँ रोड तक मेन रोड तक। अगर पापा कर रहे हैं गाड़ी पार्क और अपन जाम की मुसीबत से बुकिंग मिल चुकी है अभी अपन को फाइनली। भैया यहाँ पे बहुत सारे ऑटो चल रहे हैं, बहुत सारे। और अपन आपको ये बताए थे कि ये इस मंडी का नाम है किसान मंडी और ये अपने अजमेर की सबसे बड़ी मंडी है। जैसे अपन तो उसमें पहली बार आए हैं तो अपन को तो पता नहीं है जब क्या क्या सब्जी होगी इतनी बड़ी मंडी में, पता नहीं क्या क्या हो सकता है सब्जी के मामले में, फल फ्रूट्स के मामले में। मुझे भी कुछ आइडिया तो है नहीं, चलिए देखते हैं। और कई यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स और टेम्पू जाते रहते हैं इधर। स्पेशल सब्जी तो दिख नहीं दी है, ऐसा लग रहा है कि सब जगह एक ही सब्जी हो, भले ही कितनी बड़ी मंडी हो पर ऐसा लग रहा है कि सब जगह एक ही सब्जी है और फल फ्रूट्स हैं। देखते हैं अब उनको कुछ समझ में आता है क्या। बस पापा मम्मा वगैरह ये सब ले रहे हैं। गाइस ये सबसे बड़ी मंडी है तो उसमें क्या पता अपन बहुत सारे फल फ्रूट्स ले लें। बहुत धूप हो रही है, परेशान ही हो गए। इतनी सारी सब्जी ले रही है और कुछ सब्जी इस थैले में भी है। गाइस जरा क्रॉसिंग के चक्कर में है ना अपन थोड़ा लेट हो गया मंडी आने में, इसलिए सारी अच्छी जो सब्जियां थी ना वो तो सारी बिक चुकी है और अब बचा कुचा माल ही है। और गाइस यार यहाँ पे आते वक्त तो धूप से ही परेशान हो गए। कितने गाइस यार मंडी बड़ी तो बहुत है, हमको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मस्त होगी पर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इतना। प्रॉब्लम ये हुई यार अपन सोच रहे थे कुछ जैक फ्रूट मिलेगा, मस्त स्ट्रॉबेरी मिलेगी, बेर मिलेंगे, पर यार ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं यहाँ पे आज। हमको पुरानी गाड़ी का, मतलब पुरानी गाड़ी तो नहीं, अपन को किसी भी गाड़ी का बहुत अच्छा वाला शौक है। तो अपन को ये डेगू की मट्टी मिल चुकी है, बहुत गंदी लग रही है जो कि, और ये सामान रखने के काम आती है सिर्फ और सिर्फ। मुझे नहीं लगता ये गाड़ी चलती भी होगी। यार अपन को एक सब्जी वाली आंटी ने ना ऑल ऑफर दिया कि ले खा के देख, वो कौन सा फल था, आड़ू, आड़ू खा के देख, तो अपन ने मना कर दिया। उनके पास जो दूसरी आंटी बैठी थी सब्जी वाली, उन्होंने कहा ये तो फिर भी अच्छा बच्चा है, वरना दूसरों के बच्चे तो उठा उठा के खा जाते हैं, ये तो कहने में भी नहीं खा रहा है। सारी शॉपिंग हो चुकी है, मम्मा बैग पैक कर रही है और पापा निकाल रहे हैं अभी गाड़ी, जाते वक्त ना जाम मिल जाए। दूसरे रास्ते से चलेंगे। हाँ ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। इधर अभी सब्जी मंडी में सभी सारी ज़रूरत की सब्जियाँ थी वो तो मिली चुकी, और जो अपने फेवरेट कुछ फ्रूट्स है वो तो अपन को समझ में आई नहीं, कुछ फेवरेट तो था नहीं हुआ अपना फ्रूट्स में, और मतलब परेशान ही हो गया धूप से। देखो अभी धूप हो गई यार, इसलिए आज के लोग करते हैं पेंड है, आपको लोग लाइक करना चाहिए ना तो सब्सक्राइब चैनल, मिलते हैं नए लोग के साथ, बाय।